दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले किसी भी न्यू अपडेट की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, आज इस वीडियो में जिस लड़की के साथ बात कर रहा हूँ वो मेरे भाई की कॉलेज फ्रेंड है, मेडिकल की स्टूडेंट है। पहले तो कभी इसके साथ मेरी कोई बातचीत नहीं हुई, हाँ लेकिन 2-3 दफ़ा भाई के साथ कॉलेज के गेट पर इसके साथ मेरी हेलो हाय हुई है। तो बड़ी देर से मेरी कोशिश थी कि यार इसके साथ मेरी बातचीत शुरू हो जाए। तो कल रात को भाई के मोबाइल से मैंने नंबर लेके इसको मैंने मैसेज कर दिया। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब मैंने उसे मैसेज किया, हाय। तो मुझे क्वेश्चन मार्क उसने सेंड किया, ये क्या, कौन? मैं वो जिसकी आपकी वजह से नींद उड़ गई है। तो नींद के लिए जेलीप्लोन सोनाटा टैबलेट यूज़ करो, अच्छी नींद आ जाएगी। मेडिकल की स्टूडेंट है और बिजनेस माइंड के साथ मेडिकल की वो मुझे मेडिसिन भी बता रही है। अगर फिर भी ना आई तो फिर मर जाना। अरे लड़की क्या कह रही हो, इतनी मुश्किल से तुम्हारा नंबर लिया, बहुत ज़्यादा टैबलेट यूज़ की है, डॉक्टर से भी चेकअप करवाया है, लेकिन डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया है, कहते हैं सिर्फ जोया से बात करोगे तो ही सही से बात होगी। अब मुझे यहाँ पे उसका नाम नहीं पता कि क्या नाम है उसका, मैं किसी ना किसी तुक्के से उसका नाम पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा नाम तो जोया है ही नहीं। तो आपका जो सही नाम है वो बता दो, उससे आपको बुला लिया करूँगा। मैं क्यों बताऊँ, ये बताओ कि मेरा नंबर कहाँ से मिला, नहीं तो बाय बाय टाटा। अभी तो बात शुरू हुई है, अभी किधर चल दी, क्यों बात करते हो जाने की। अच्छा बताता हूँ, लेकिन एक कंडीशन ये भी है कि पता लगने के बाद ज़्यादा एक्साइटेड ना हो जाए। दोस्तों, जब मैं भाई के साथ जाके इस बंदी के साथ पहली दफ़ा मिला था तो मुझे पता नहीं क्यों लगा था कि जब इसके साथ पहली बार मुलाकात हुई तो मुझे लगा था कि यार ये बंदी भी दोस्ती करना चाहती है मुझसे, तो इसलिए मैंने उससे कहा कि ज़्यादा एक्साइटेड ना हो जाना। तुम कौन से आमिर खान हो जो एक्साइटेड हो जाऊंगा? बातों से लग रहा आमिर खान की काफ़ी बड़ी फ़ैन हो, लेकिन वो एक्टिंग सीखने के लिए भी रात को मेरे पास आता है, बहुत बड़ा फ़ैन है वो मेरा। कितना बोलते हो तुम, जो पूछा बस वो बताओ। अच्छा बता रहा हूँ, मैं वो तुम्हारे क्लास फेलो दानिश का भाई हूँ, आपके साथ 2 दफ़ा मुलाकात भी हो चुकी है। इसके साथ मेरी पहले 2 दफ़ा मुलाकात हो चुकी है। दानिश मैं नहीं जानती। अरे ये क्या कह दिया, आपके साथ ही तो होता है आपका क्लास फेलो, और आपसे हेलो हाय भी तो हुई है मेरी क्लास के कॉलेज के बाहर, भाई के साथ आया हूँ मैं। ओ अच्छा, तो दानिश के भाई हो तुम, शुक्र है भाई इस बंदी ने मुझे पहचान लिया। इस बंदी के साथ बात करने के लिए मैं इतना को एक्साइटेड था, और जब इसने कहा ना कि मैं दानिश को नहीं जानती तो एक दफ़ा मेरा दिल टूट गया, मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई, यार अब क्या होगा, और मैं बिल्कुल डम हो गया था उस वक्त। चलो ये भी सही है, पहचाना तो सही, नहीं तो आपके साथ बात करने का सारा प्लान मेरा फेल हो जाता। भाई तो तुम्हारा सीधा साधा, तुम्हें बहुत बातें आती हैं। भाई को बहुत दफ़ा कहा है भाई लड़कियां क्यूट लड़कों को पसंद करती और बात करती जैसे अभी आप मुझसे कर रही, लेकिन वो मानता ही नहीं। क्यूट और तुम्हारी सच में ही नींद नहीं पूरी हुई। हा हा हा, अब ये बताओ मेरा नंबर कहाँ से मिला? वो कल भाई का सेल मुझे मिल गया तो कॉन्टैक्ट चेक करते करते आपका नंबर सामने आ गया। मेरी बड़ी देर से कोशिश थी कि यार इस बंदी का मेरे पास नंबर मिल जाए, और मैंने यहाँ पे उसे कोई फिल्म नहीं सुनाई कि मुझे ये वहाँ से आपका नंबर मिला, ये बात हुई है वो ही, मैंने डायरेक्टली उसे बता दिया। बहुत तेज हो, हाँ बचपन से, घर वाले भी यही कहते हैं, हा हा हा, बहुत ही बुरा कहते हैं। वैसे आपकी स्टडी कैसे जा रही है? अब मुझे यहाँ पर जब एक दफ़ा एक्साइटेड हो गया कि चलो यार बंदी ने मुझे पहचान लिया है, तो मेरे माइंड में कुछ ना आया और मेरे माइंड में कोई चीज़ नहीं थी आ रही, तो मैंने डायरेक्टली पूछा कि आपकी स्टडी कैसे जा रही है। सुनने में तो आया आप क्लास की सबसे लेजी स्टूडेंट हो। कहाँ से सुन लिया? जहाँ आप जाती हो आपके साथ सैटेलाइट अटैच हैं, हर वक्त की खबरें मिलती रहती हैं आपकी। अच्छा जी जी, तो ये बताओ अभी क्या कर रही हूँ? अभी आप मुझसे बात, और ये सोच रही कि ये मुझसे बात करता ही रहे, तो मुझे कहती है तो गलत सोच रहे आप, तुक्का ही लगाया था, सही क्या है वो आप बता दो मुझे। तुमसे बात करते करते बुक भी रीड कर रही हूँ। अच्छा, बिजी हो तो बाद में बात हो जाएगी। अब मैंने उसे डिस्टर्ब करने की यहाँ पे मैंने कहा चलो ठीक है यार, पहचान तो ली गई है, हो सके तो बाद में बात कर लेगी, नहीं बिजी तो नहीं। अरे वाह, बात करने के लिए स्टडी छोड़ दी? तो कहती है नहीं, बोर हो रही थी तो सोचा टाइम पास कर लूँ, जो भी है इनडायरेक्टली तो बात करने का ही दिल कर रहा था, और दिल की बात सच हो के मुँह पर भी आ गई। हाँ हाँ, काम था कोई जो मैसेज किया, बताया तो है, अब रात को नींद नहीं आती, ऐसे लगता है जैसे कोई नींद उड़ा के ले गया हो मेरी। तो कोई मेडिसिन यूज़ करनी थी? मेडिसिन छोड़ो,
कल तो पूरी सिटी के डॉक्टर्स को इकट्ठा किया था इलाज के लिए। सभी ने आके चेकअप किया लेकिन जवाब दे दिया, सच में? तो हाँ ना। उनमें से एक समझदार था जिसने अच्छी बात की कि जोया से बात कर लो तो तुम्हारी सेहत सही हो जाएगी। मैं दोबारा डायरेक्टली पहले वाले टॉपिक पे उसे ले आया, तो जाओ जोया से बात करो। तो उसी से कर रहा हूँ, मेरा नाम जोया नहीं है। अगर नाम नहीं पता होगा तो किसी नाम से को तो कोई नाम तो लेगा, आपको बता बुलाऊंगा ना। तो उसने मुझे अपना नाम बता दिया क्योंकि अब ज़रा हेलो है हो चुकी थी। तो कहती है, उषवा नाम है मेरा, उषवा एंड मी, क्या क्यूट जोड़ी बनेगी हमारी। फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो? कोशिश तो नहीं, मेरी तो पूरी ट्राई है कि फ्लर्ट करने का फुल चांस मिल जाए। हा, बहुत बातें करते हो। वैसे GS कितनी है तुम्हारी? GF, तुम्हें GF बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या कह दिया? क्यों, क्या हुआ? कुछ ना पूछो। अच्छा, नहीं पूछती, अभी तक तो कोई मिली नहीं, लेकिन अब चांसेस बन रहे हैं कि मिल जाएगी। जितनी बातें करते हो नहीं सकता कि कोई GF ना हो तुम्हारी। बातें तो बहुत कर लेता हूँ, फ्रेंड्स भी काफ़ी हैं, लेकिन अब तक किसी के साथ वो वाली फीलिंग्स आई ही नहीं। अच्छा हाँ, लेकिन अब एक बहुत क्यूट सी GF बनने वाली है, वो भी मेडिकल स्टूडेंट की, और वो यही है लड़की जिसके साथ मैं बात कर रहा हूँ। कौन है वो? दिल को दिल से राह होती है, और मेरे दिल ने तो यही जवाब दिया है कि उषवा मेडिकल स्टूडेंट बेंच नंबर 2 पे बैठने वाली ही वो लड़की है। हा, बहुत फास्ट बन रहे हो, पहले दिन की चैट और GF बना रहे हो। अब यहाँ पे उसने थोड़ी सी शेरो शायरी की, ये जिंदगी चल तो रही है। मैंने अब उसको देखा कि शेरो शायरी कर रही है, तो मैंने अपनी शेरो शायरी शुरू कर दी। ये जिंदगी चल तो रही है, पर तेरे आने से मैंने जीना शुरू किया। मैं आईने में अपना चेहरा भूल सकता हूँ, तुम्हारा कभी नहीं। बहुत रोका है अपने दिल को, लेकिन पता नहीं क्यों इस दिल में वायरस आ रहा है और यही कह रहा है कि बस तुम, बस तुम। हा, कहाँ से बना लेते हो ऐसी बातें। बहुत मूड ऑफ था, लेकिन तब की हंसी जा रही हूँ। तो इसका मतलब है मैंने आपका ब्लड ज़्यादा कर दिया। हाँ कह सकते हो, एक्चुअली स्टडीज़ की वजह से काफ़ी बोर हो जाती हूँ। कोई बात नहीं, अब लाइफ में एक्चुअली स्टडीज़ की वजह से काफ़ी बोर हो जाती हूँ। कोई बात नहीं, अब लाइफ में आ गया हूँ ना, तो सारी बोरियत दूर कर दूंगा। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? घर में तो सब प्यार से सोनू सोनू कह के बुलाते हैं, आप हनी कह के बुला लिया करो। हनी से ज़्यादा तो हिटलर अच्छा लगता है मुझे, वो ना कह के बुला लिया करूँ। हाँ, हिटलर तो मैं हूँ, लेकिन सिर्फ सैडनेस के लिए। हिटलर बन के सबकी सैडनेस दूर कर देता हूँ। अच्छा नहीं, वो नम सेव करना था तो इसीलिए पूछ रहा। चलो यार, बंदी को मुझे मेरे दिल को उस वक्त ये हौसला हुआ कि चलो यार, लड़की मेरा नंबर सेव करने के लिए राजी तो हो गई है, आशिकी 2 के नाम से सेव कर लो। प्यार वाली फीलिंग आती रहेगी, और मैं आपका नंबर लव वर्ड के नाम से सेव कर लेता हूँ। हाँ, अच्छा ये भी सही है। अब मुझे थोड़ा सा काम है, उस वक्त अब मुझे यूनिवर्सिटी का एक मैसेज आ गया कि यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर है, तो मैंने उसको कह दिया अब मुझे थोड़ा सा काम है, तो बाद में बात करते हैं। किधर जा रहे हो? यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा काम है तो वो कर लूँ। और वापसी कब तक? शाम को। अच्छा जाओ, टेक केयर। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ये लाजमी बताना कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें।